बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का टेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 16, जो कि आज हुआ है 24 अक्टूबर 2022 को। तो चलते हैं MCQs की तरफ। पहला MCQs है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स। नंबर वन है द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक। सो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है The debate was adjourned to. So option A जो है वो इसका correct answer है। दूसरा MCQs है हमारे पास Which of the following spellings are correct? So इसमें हमारे पास है aggrandize। Option A इसका correct answer है aggrandize। थर्ड MCQs है when it comes to back stabbing a quill dash b dash then a dagger। So इसकी जितने भी हमारे पास options हैं a quill must be better, a quill will be superior, may be sharper than a dagger, तो ये almost सारे ही suit नहीं करते। तो इसका option D जो है वो none of these है। इसमें जो correct है वो आता है when it comes to back stabbing a quill can be deadlier than a dagger। So ये इसके करेक्ट आंसर है। नंबर फोर है dash you ever been to Amsterdam? So इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है have you ever been to Amsterdam। MCQs नंबर फाइव है the investigative journalist is not willing to reveal the identity of her dash। Informal, inform, informant, none of these। So informant इसका correct answer है option C, जो कि खबर देता है। Choose the correct synonyms। Synonym means के उसके similar meaning वाले words लेने हैं हमने। पहला number 6 है कुनाइशर। कुनाइशर जो है उसका जो correct answer है वो है C, love of art। उसके बाद 7 है ग्रूसम। सो ग्रूसम का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्राइटफुल। नंबर 8 है बीमॉन। और बीमॉन का जो करेक्ट आंसर है वो है लेमेंट। नंबर 9 है अबैंडन। अबैंडन, डिसकंटिन्यू, एब्सेंट, निग्लेक्ट, नन ऑफ दीज। सो इसका जो है None of these है। Abandoned का मतलब है छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 है रात। सो वायलेंस, जेलेसी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है एंगर। फिर हमारे पास आ जाते हैं चूज द करेक्ट एंटोनेम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट एंटोनेम्स हैं मीन्स मुतजाद और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। नंबर 11 है इसमें मिलिट्री। मिलिट्री का जो एंटोनिम बनता है वो बनता है बी, सिविल। ठीक है, नंबर 12 है हमारे पास सबवर्जन। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो हमारे पास बनेगा कंप्लायंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 13 है प्रोवोक। प्रोवोक का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा सूट। उसके बाद 14 है कैटेगोरिकल। 13 का जो आंसर हमारे पास एब्सोल्यूट, सर्टेन, कंडीशनल। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कंडीशनल। उसके बाद 15 है, 15 हमारे पास है डर्थ। जो इसका हमारे पास एंटोनिम बनेगा वो बनेगा एबंडेंस। एबंडेंस डर्थ, किसी चीज़ की कमी। सो शॉर्ट जो है इसका सिमिलर मीनिंग है सिनोनिम है। अच्छा, चूज द एग्जैक्ट प्रेपोजिशन। तो इसमें नंबर 16 है आई एम ग्लैड डैश यू सक्सेस। सो इसका टू, फॉर, ऑफ। आई एम ग्लैड ऑफ सक्सेस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 17 है द होल नेशन वाज डैश द प्रेसिडेंट। द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पीछे पूरा नेशन खड़ा था। नंबर 18 है हमारे पास वी ट्रस्ट डैश वन गॉड।
We trust at one God, in one God, on one God. So we trust in one God. Option B इसका correct answer है. इसके बाद हमारे पास 19 नंबर MCQs आता है. नेहा इज ट्रैवलिंग डैश द स्कूल. सो इसमें नेहा इज ट्रैवलिंग ऑफ द स्कूल, ऑफ स्कूल, टूवर्ड्स द स्कूल. इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, टूवर्ड्स द स्कूल. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी है, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी डैश लैंड अ हैंड. सो एज अबाउट मी आई विल बी हैप्पी विथ लैंड अ हैंड, एज फॉर मी आई विल हैप्पी टू लैंड अ हैंड. सो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है. आई एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड. सो डियर व्यूअर्स, ये थे इंग्लिश के MCQs. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए MCQs और ये जितने भी टेस्ट हैं ये सॉल्व करें. तो इसके बाद चलते हैं हम पार्ट टू की तरफ, जो कि प्रोफेशनल पोर्शन है इस टेस्ट का. अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ का पोर्शन. मैथ का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक था. यस, इसमें टाइम ज़्यादा लगना था, मतलब लेंथी लेंथी क्वेश्चंस भी थे. अच्छा, तो ये मैंने ना सॉल्व करके, एक एक सॉल्व करके आपके साथ मैं इनको शेयर करने जा रहा हूँ. अच्छा, ये मैंने अपने साथ इसको सॉल्व किया था. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, 21 पे है. ठीक है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 16. अब इसमें ये है कि हमने क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स डाल दिया है. अब ये बड़ा सिंपल सा ही सवाल है, इसमें कोई मतलब इतना मुश्किल चीज़ इसमें कोई नहीं है. डिवाइड को हमने सीधा डिवाइड की तरह लिख दिया, 88 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 16. ठीक है, अब 2 के साथ अगर आप इसको करें ना, 28 जार 16 आता है और 221 जार 42 आएगा. ठीक है, अब नीचे यहाँ पे 8 बच रहा था, तो 8 मल्टीप्लाई 8 वन जार 8 और 8 11 जार 88. तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 21. तो हमारे पास आ गया 231. और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो तब आगे हमारे पास x की वैल्यू 53361 आती है. x की वैल्यू 53361, मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूँ, ये देखें, x की वैल्यू 53, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन नंबर 22 ये है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगिनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5 इज. कौन सा नंबर इन में से स्मॉलेस्ट है, जो कि शुरू 3 से होता है और ख़त्म 5 पे होता है. तो अगर आप ये देखें तो ये है 30015, ये है 31005 और ये है 30005. तो डेफिनेटली ये वाला हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है. उसके बाद हम आते हैं 23 पे, हाउ मैनी नंबर्स आर अप टू 100 डिविजिबल बाय 7. कितने नंबर हैं जो कि 100 तक हैं और 7 पे डिवाइड होते हैं. तो टोटल 98 नंबर हैं. अब 7 मल्टीप्लाई बाय 14 करें ना, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 14 करें तो 98 आता है. तो ये आपके पास जो 14 है ये टोटल नंबर है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 14, तो टोटल 14 नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है और 100 से कम है, यानी कि अप टू 100 है. उसके बाद है हमारे पास 24 पे है, द सम ऑफ 3 कंजेकटिव नंबर इज गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है. इसको एक सेकंड मैं वो कर देता हूँ आपके लिए, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें फिलहाल. इसको देखें, जब भी आपके पास आ जाए ना कि कंजेकेटिव नंबर वाली चीज आ जाए, तो कंजेकेटिव नंबर के लिए ये चीज याद रखें, ये यहां तक याद रखें, x x प्लस 1 x प्लस 2. अब यहां पे 3 लिखे हुए हैं तो हमने x प्लस 2 तक गए हैं. अब ये नेक्स्ट पेज में जाते हैं. अच्छा, अब ये देखें, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया.
ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर थर्ड वाले का और फर्स्ट वाले का डिफरेंस निकालें कितना आएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं 25 पे। व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6, ठीक है। इनमें ये जो नंबर है इसमें से क्या ऐड करेंगे कि इनकी रेशियो 5:6 हो जाए। अब ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, 6 है 7 है 12 है, डी नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब 3:5 में हम अगर 6 ऐड करते हैं, 3+6 एक साइड पे ऐड करेंगे, 5+6 दूसरे साइड पे ऐड करेंगे, 9/11 आ गया इस साइड पे, देखें तो 7 जब ऐड करेंगे तो 10/12 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 15/7 आ गया। तो ये जो ये वाला है 10/12 वाला, 10/12 वाले को देखें, 10:12 अगर आप इसको इस हिसाब से देखें, 10/12 आ गया, तो 2 5s are 10 और 2 6s are 12, तो ये 5:6 हो गया जो कि बी वाली ऑप्शन है। नंबर 26 पे है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2, 1 इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 इयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ यंगर। क्वेश्चन ये है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी रेशियो एज की जो रेशियो है वो 3:2 है, एक बड़ा है दूसरे से कितना, 5 साल, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया है कि वी नो वन इज ओल्डर देन अदर बाय 5 ईयर, ठीक है। अब ये देखें ऑप्शन हमारे पास है 2, 10, 15, ठीक है। अगर 2 के साथ हम 5 ऐड करेंगे, 1 के साथ हम 5 ऐड करेंगे, तो दूसरा इधर आ गया, मतलब 2+5 7/2, ये वाली आ गई है। इसी तरह 10 वाली ऑप्शन है, इसके साथ हम 5 ऐड करेंगे, इस तरफ कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि वन इज ओल्डर देन अदर बाय 5, एक बड़ा है दूसरे से 5 के साथ। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा x+5, इसका फॉर्मूला एक किस्म का, ठीक है। अब ये देखें 15/10, तो हमें पता है कि 5 3s are 15 और 5 2s are 10, तो हमारे पास ये 3:2 आ रहा है। किस पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, ऑप्शन बी पे आ रहा है। तो ये हमारा 26 का क्वेश्चन भी हो गया। नंबर 27 पे है, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.04 इज, फार्मूला आपने याद रखना है, मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या है, जो भी आपके पास दो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उसका अंडर रूट लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, द रेशियो ऑफ एज एंड बी सैलरी इज 9:4, ए और बी की सैलरी का जो रेशियो है वो 9:4 है, यानी कि ए को 9th हिस्सा मिल रहा है और बी को 4th हिस्सा मिल रहा है, इस तरह समझें इसको। अगर ए की सैलरी इंक्रीज हो जाए कितना, 15% जो उसकी सैलरी है उसके हिसाब से, देन इज टोटल सैलरी बिकम 5175। अब ये मेजर चीज़ है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज सैलरी ऑफ बी, ठीक है। अब हमने कह दिया कि ए और बी और इसकी 9:4 है और हमने इसके साथ xx डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो बताया मैंने आपको कहा कि ए की सैलरी प्लस 15% ऑफ ए की सैलरी इज इक्वल टू 5175। क्वेश्चन में गिवन था ना कि अगर ए की सैलरी के साथ 15% उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए तो वो टोटल बिकम 5175, तो वही चीज़ मैंने लिख ली है इसको, ठीक है। अब ए की सैलरी हमें पता है कि कितनी है, 9x है, 15% ऑफ ए सैलरी, तो वो आपको पता है कि परसेंटेज कैसे निकालनी है, 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9x इज इक्वल टू 5175, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कट आके सब कुछ करके इधर उधर करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b की सैलरी कितनी होगी, b इज इक्वल टू 4x, क्यों, क्योंकि b का 4 वो था ना रेशियो, उसकी क्या है 4, और यहाँ पे हमने इसके साथ x सपोज किया हुआ था, तो 4x है, तो 4x मल्टीप्लाई करें 500 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 2000। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, 28 वाला, ये 2000, ये है 28 2000, ये ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर, क्वेश्चन नंबर 29,
हाउ इज 1/2% एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फॉर्मूला। अब 1/2% का क्या मतलब होता है, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि 0.5% है ना, इसको आप ये लिख सकते हैं कि 0.5% पर और सेंट को अलग अलग कर दें। अब पर का मतलब होता है डिवाइड, ये आपने हमेशा याद रखना है, आप कभी गलत नहीं होंगे। सेंट का मतलब होता है 100, तो 0.5 डिवाइड बाय 100, जब आप इसको 0.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0. मैं इसको एक सेकेंड, मैं इसको ये कर लेता हूँ, 0.005, ठीक है। और दो जीरो नीचे है ना, दो जीरो पॉइंट से पहले ऊपर कर दें, ठीक है, इसका ये तरीका होता है। नंबर 30 पे है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास्ड, इफ द नंबर ऑफ फेलर इज 420, देन टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनरी इज 65% टोटल पास हैं, फेल जो है वो 420 हैं, हमने फाइंड करना है टोटल हैं थे कितने। अब टोटल को मैंने कह दिया कि ये एक्स है, ठीक है, फिर हमने कह दिया कि हमें ये भी पता है कि जो फेल हुए हैं वो 420 है, और हमें ये भी पता है कि पास कितने हुए हैं 65%। तो हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 65% ऑफ टोटल जो पास है, देखें 65% पास है, और उसके साथ जब हम फेल वाले ऐड करेंगे तो वो टोटल बन जाएगा। टोटल को मैंने बोल दिया कि टोटल एक्स के बराबर है, ठीक है। अब 65% ऑफ एक्स प्लस 420, 65 जो परसेंट का फॉर्मूला है वो जब आप ऐड करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने, अब एक्स की वैल्यू कट कटा के सब कुछ कर लें, मैं यहाँ पे इसको पॉज कर लें, इसको देख लें, आपको समझ नहीं आ रही हो कमेंट में पूछ लें, आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे अगर समझ नहीं आ रही हो। वैसी है ये सिंपल, सिर्फ कटिंग शटिंग है, तो कटिंग कट कुट के एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 1200। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 पे है, 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90 इज इक्वल टू हाउ मच। अब मैंने आपको ये आसानी के लिए इस तरह से लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आए। हमेशा आपने याद रखना है, मैंने पहले भी बताया कि परसेंट को आप अलग अलग कर दें परसेंट ऑफ 64, सिमिलरली 32 परसेंट ऑफ 90। अब पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब होता है 100, ऑफ का हमेशा याद रखना है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 64 और प्लस इसी तरह आगे। तो इसको जब आप देखते हैं कट कुट करके आपको ना ये सारा इसकी जो वैल्यू आती है वो, हाँ इसकी ये ज़रा देखनी वाली चीज़ है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 34.56, ठीक है, और ऑप्शन में गिवन थी 34.65, ये देखेंगे 34.65 और हमारे पास आ रही है 56, तो एक ही ऑप्शन इसको ही करेक्ट करना है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि नन ऑफ दी अबव आएगा। अच्छा 32 पे आते हैं, इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन 20% इज आयरन, 1 kg मिक्सचर है सैंड का और आयरन का, ठीक है, 20% उसमें आयरन है। अब सवाल ये है कि हाउ मच सैंड शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन इज 10%, हम कितना उसमें सैंड डालें ताकि प्रोपोर्शन 10% हो जाए आयरन का। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें, देखिए 1 kg इज इक्वल टू, ठीक है, जब 1 kg हमें पता है, अगर हम 20% आयरन है तो इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ सैंड है, ठीक है। सो हाउ मच सैंड शुड बी एडेड इन टू बिकम 10%, ये देखें आयरन है 200 और सैंड है 800, अगर आप 1 kg के हिसाब से देखें, ठीक है, 20% और 80% इतना ही बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि हम कितना सैंड और ऐड करेंगे कि आयरन हमारे पास 10% आए, ठीक है, जब हम 1000, ऑप्शन में 1000 गिवन थी और भी कुछ थी ना, तो अगर हम 1000 ऐड करेंगे तो सैंड हमारे पास 1800 हो गया, ठीक है, और ये तो इतना ही था ना, तो जब हम इसको आपस में वो करते हैं, इसका रेशो निकालते हैं, तो ये 10/90 आता है, ठीक है, तो 1 kg इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज फाउंड टू बी 30, ठीक है, 100 आइटम्स हैं उनका मीन है वो 30 है, ठीक
ठीक है, इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन टू आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11, द करेक्ट मीन इज, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि अगर जो है ना जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो गलती से जो है ना दो जो आइटम्स थी वो 32 और 12 ले ली 23 और 11 के बजाय, मतलब करेक्ट 23 और 11 था लेकिन गलती से उन्होंने 32 और 12 ले लिया। तो अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट मीन कितना आएगा, अब ये देखें मीन का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय जितनी भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है। तो मतलब 1 से लेके 100 तक आपने जाना है, 100 आइटम्स हैं और डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पता है कि देखें ये तो हमें नहीं पता है कि दो चीज़ें तो हमें पता ही है ना कि एक 32 और 12, ये तो हमें पता ही है, तो हमने 32 और 12 को अलग कर दिया प्लस बाकी के x 98, यानी कि 98x हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, x की वैल्यू का क्या मतलब, इसका मतलब ये है 32 प्लस 12 और इसके अलावा जो बाकी नंबर्स थे ना, यानी कि 98 टाइम्स जो x थे वो 2956 की इक्वल है और ये दो हमने ऐड किए हैं। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है कितनी है, ठीक है। अब हम इसी x को मिटा लेते हैं और 32 और 12 को हटा के 23 और 11 ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास मीन आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 29.9 मीन आएगा इसका। अच्छा ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए हम आपको पीडीएफ में और उसमें कर लेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, फेसबुक का पेज है, उधर भी आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 34, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज 45, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दीज नंबर्स। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है कि मतलब 6 नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 6 हो गया, ठीक है। और अगर इसमें क्या नाम है, तो टोटल x1 x2 x3 x4 x5 f6, तो टोटल ये 6 होंगे, इज इक्वल टू 45, 6 मल्टीप्लाई बाय 45 270 आ गया। अब इन्होंने जो ऑप्शन दी थी इनमें कोई 270 वाली ऑप्शन नहीं थी, तो इसमें नन ऑफ दीज सही आता है। 35 पे है, इसमें क्वेश्चन ये है कि टोटल 52 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 2 लेस हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स ये हैं, ये ठीक है। अब मेन जो बात ये है, कहते हैं कि बॉयज़ की जो वेट है वो 42 है और जो टोटल एवरेज वेट है सबका मिला के जो एवरेज है वो है 40, ठीक है। और हमें दिया गया है कि लड़कियों की वेट एवरेज वेट फाइंड करें, ठीक है। अब या तो 38 होगा या 40 होगा या 42 होगा। अब देखें इसका आप ये वाली चीज़ देख लें, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ प्लस एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एवरेज वेट ऑफ ऑल, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख लें, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ कितना है 42 है, ठीक है, और एवरेज ऑफ ऑल कितना है 40 है। अब हमने ये देखना है कि कितना वेट होगा औरतों का कि इसके साथ जब मर्दों का वेट लड़कों का वेट ऐड हो जाए तो 40 की इक्वलेंट होगा। अब ये देखें 38 अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 42 प्लस 38 डिवाइड बाय 2, तो 42 प्लस 38 80 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 40 कीजिए। तो आपका एवरेज आ गया है कि एवरेज जो है ना टोटल एवरेज 40 आ रहा है, कब, अगर 38 केजी ऑफ वेट लड़कियों का हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। 36 पे है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज डैश, 22 है, 23 है, 24 एंड नन ऑफ दीज है। अब कंसेक्यूटिव नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 और चलते जाना है। अब टोटल कितने हैं 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इज इक्वल टू 20 है और एवरेज ले रहे हैं तो डिवाइड बाय 7 है, ठीक है। अब x x को आपस में ऐड करेंगे, 1 2 3 और 6 तक जाएंगे आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7x plus 21 डिवाइड बाय 7, 7 को उधर मल्टीप्लाई करें 140 आ जाएगा, 7x is equal to 140 minus ये 21 इधर कर दें, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 23 करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं 37 पे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। अब ये एक चीज कहते हैं कि
कितनी स्केल का वो, कितनी लेंथ का स्केल होगा, यानी कि रूलर होगा या कोई और जो मेजरिंग डिवाइस है वो होगी, जो कि एग्जैक्टली इन सब को मेजर करे, 3 मीटर को भी, 5, 10 को भी, 12, 90 सेंटीमीटर को भी मेजर करे। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 3 मीटर किस चीज़ की इक्वल होता है, 3 मीटर इक्वल होता है 300 सेंटीमीटर की, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपके पास ये आ गया 5, 10 का, आपके पास आ जाएगा 5, 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर का 12, 90 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन तीनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम एलसीएम इनका एलसीएम ले लेंगे ना। जब आपने इसका एलसीएम ले लिया, उसके बाद आपने इसमें क्या चेक करना है, कॉमन चेक करना है, कौन कौन सी कॉमन आ रही हैं। ये तीनों कॉमन आ रही हैं, कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब इसके बाद है 38, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडिड टू 631 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, 25, 30, 45। अच्छा, अब ये देखें, देखें आपने क्या करना है कि आपने दो ऐसे नंबर ढूंढ लेने हैं कि जो 631 के करीब करीब हो, ठीक है, 631 के करीब करीब हो। अब एक नंबर है 25, मतलब क्या नंबर, ऐसा नंबर आपने देख लेना है कि जिसका स्क्वायर करें तो वो 625 के, 631 के करीब करीब हो। अब 25 का अगर आप स्क्वायर करें तो वो आपके पास आ रहा है ये, इसका अगर आप स्क्वायर करें तो आपके पास आ रहा है ये 676। अब आपने सिंपल क्या करना है, 676 माइनस 631 करें तो क्या आ जाएगा, 45। यानी कि 631 के साथ अगर आप 45 ऐड करेंगे तो तब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये है 676 है, ठीक है। ये हो गया आपका 38। अब आते हैं नंबर 39 पे, द एज ऑफ पाकिस्तान इज 76, 75 या फिर 73 या फिर 39। अब आपने याद रखना है एक चीज़ को, आज की जो वो है क्या नाम है, ईयर कौन सा चल रहा है, 2022, तो 2022 माइनस 1947, और ये प्लस वन मैंने इसलिए किया क्योंकि जो 1947 है वो भी काउंट हो रहा है, तो इसके पास क्या आ रहेगा, 76 ईयर्स आ गया। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज इक्वल, सॉरी, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 2a + 3b, देन द वैल्यू ऑफ 2 × 3 + 3 × 4 इज। अब ये देखें, ये चीज़ आपने याद रखनी है, फार्मूला हमारे पास गिवन है ये, और वैल्यू हमने किस चीज़ की फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है। अब इसको क्या कर लें, थोड़ा सा अलग अलग कर लें, आसानी होगी। अलग लिख दिया इसको, इसको भी अलग लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या है, आपको पता है पुटिंग फार्मूला, ठीक है। अब ये ए है तो वो बी है, जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, देखें 2 की जगह जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आती है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 आती है, इस जगह में ए की वैल्यू 3 आती है, बी की वैल्यू 4 आती है, इसको आप ऐड करेंगे 31 आ गया। ये हमारे 40 MCQs हो गए हैं। मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी करूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ओके भाई, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर का टेस्ट, जो कि आज हुआ है 24 अक्टूबर 2022 को। तो इसका जो नंबर 44 MCQs है वो है, द यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली बैन द सेल ऑफ कन्वेंशनल कार्स बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2035, ऑप्शन ए। नंबर 45, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेलीस्कोप विच इज सेंट टू स्पेस ऑन December 24, 2021। तो ये कौन सी टेलीस्कोप है जिसको स्पेस में उन्होंने भेजा था, इस टेलीस्कोप, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नंबर 44 MCQs है, विंटर ओलंपिक्स 2022 वाज ओपन्ड ऑन। तो ये जो हमारे पास ओलंपिक्स हुई थी, ये ओपन हुई थी 4 फेब को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 47 MCQs है, व्हेन डिड इसराइल ओपन
एम्बेसी इन द यूनाइटेड अरब इमारात। तो इसराइल ने जो यूनाइटेड अरब इमारात में एम्बेसी ओपन की थी वो की थी 30 जून 2021 को। सो हमारे पास जो है तो ये ऑप्शन है, लेकिन इसमें 2020 है, लेकिन उन्होंने जो एम्बेसी ओपन की थी वो 2021 में ओपन की थी। सो नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास 48 है, करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल री एलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म इन जून 2021, हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म। तो ये जो जनरल सेक्रेटरी है ये इलेक्ट होता है 5 ईयर्स के लिए। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 49 एमसीक्यूज़ है, इन मार्च 2021 स्पेस ब्लॉक द स्विस कैनाल फॉर 6 डेज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप। तो ये हमारे पास एवर गिवन है, एवर गुड है, एवर जायंट है और नन ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। और इसमें इस शिप का जो नाम था वो था एवर फॉरवर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 50 एमसीक्यूज़ है, इन जनवरी 2021 समिया सुलूहो हसन बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की। नंबर 51 है, ब्रेक्सिट केम इनटू फोर्स आफ्टर अ ईयर ऑफ रेंगलिंग ऑन। तो ब्रेक्सिट बेसिकली जब यूके ने डिसाइड किया था, यूके की आवाम ने, कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, तो ये ब्रेक्सिट उसको उस करारदाद को कह रहे हैं। और इसकी जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। फिर हमारे पास है नंबर 52 एमसीक्यूज़, द 2021 नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर वाज अवार्डेड टू नॉवलिस्ट अब्दुल रजाक गुरन्हा ऑफ। तो ये जो नॉवलिस्ट हैं ये हैं तंजानिया के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 53 है, हु क्लेम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटैक नियर अबू धाबीज मेन एयरपोर्ट ऑन जनवरी 17, 2022। तो ये जो अटैक हुआ था ये यमन हूतीस थे, इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था एयरपोर्ट पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 54 एमसीक्यूज़ है, इन सितंबर 2021 अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वाज अनाउंस बिटवीन द यूएसए यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन विच इज़ स्टाइल्ड एज। तो इस जो अलायंस है जो कि यूएसए यूके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुई थी, तो इसको ऑकस कहते हैं। और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास नंबर 55 एमसीक्यूज़ है, विच कंट्री प्रेसिडेंट इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो जो करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन है वो सेनेगल का प्रेसिडेंट है और इसका नाम है मैकी सॉल, MACKYSALL, ठीक है। नंबर 56 एमसीक्यूज़ है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस। तो ट्यूनिस के जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नजला बुद्दीन, ठीक है। नंबर 57 एमसीक्यूज़ है, फेमस प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर डाइड इन मुंबई एट द एज ऑफ 92 ऑन। तो लता मंगेशकर जो हैं वो कहाँ, मुंबई में डेथ उनकी हुई थी और इसका जो February 6, 2022 में इनकी डेथ हुई थी। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 56 है, रशिया वोटेड इन December 2021 अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कास्टिंग क्लाइमेट चेंज एज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये जो इन्होंने किया था इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, पीस एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद 59 एमसीक्यूज़ है, इन सितंबर 2020 नासा कलेक्टेड फर्स्ट एवर पीस ऑफ रॉक फ्रॉम मार्स बाय कार साइज स्पेस प्रोब नेम्ड। तो जो कार साइज स्पेस प्रोब थी जिसके थ्रू उन्होंने रॉक सैंपल कलेक्ट किया था उसका नाम है परसेवरेंस, ठीक है।
नंबर 60 एमसीक्यूज है, विच टीम इज द विनर ऑफ 7th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग? तो लाहौर कैलेंडर्स ने PSL 7 जीता था। नंबर 61 एमसीक्यूज है, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब? तो ये ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ये लकब मिला हुआ है। नंबर 62 है, विच कंट्री ऑफिशियली एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडोनेशिया? तो नंबर 62 में मेरे ख्याल में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईरान। ईरान ने ही फौरन पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। नंबर 63 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन? तो 1956 में इनका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया था, पाकिस्तान ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। फिर उसके बाद है 64, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था वो इन्होंने किया था 12 मार्च 1949। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास नंबर 65 एमसीक्यूज है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? तो मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के 3rd प्राइम मिनिस्टर थे ये। उसके बाद 66 एमसीक्यूज है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा उसकी जो मिनिमम एज है वो 45 ईयर्स होगी। उसके बाद नंबर 67 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज? तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास उर्दू और बंगाली दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, क्योंकि तब हमारे साथ बंगाल भी था। उसके बाद 68 है, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो मार्शल लॉ लगा था वो किसने लगाया था, किसने ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया था? तो वो हमारे पास आए थे सिकंदर मिर्ज़ा। फिर हमारे पास 69 एमसीक्यूज़ है, इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन गेव अनलिमिटेड अथॉरिटीज़ टू? तो 1962 जो था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो वहाँ जितनी भी पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास थी, लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास 70 एमसीक्यूज़ है, जुल्फिकार अली भुट्टो गेव 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन? तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन्होंने 14 अगस्त को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 71 पे है, विच सूरा ऑफ कुरान है बिस्मिल्लाह ट्वाइस? तो आपने याद रखना है सूरह नमल में ट्वाइस मरतबा है बिस्मिल्लाह, और इसी तरह जो सूरह तौबा है उसमें बिस्मिल्लाह मतलब कोई बिस्मिल्लाह नहीं है उसमें। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत मरतबा आया है। नंबर 22 पे है, सूरह कहफ विच एनिमल इज मैंशनड अलॉन्ग विद असहाबे कहफ? तो ये बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर सी है वो है डॉग, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 73 पे है, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड डैश? तो ये है ऑप्शन सी, क्रिश्चियंस। अच्छा, उसके बाद है अबुल हिकम इज द टाइटल ऑफ डैश? तो ये है ऑप्शन ए, अबू जहल। उसके बाद है, किंग ऑफ डैश टोर अवे द लेटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? तो ये था किंग ऑफ पर्शिया था, तो इसमें नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 78 पे है, डॉटर ऑफ सॉरी 77 पे है, हुरैरा मींस अ गोट कैमल कैट या फिर नन ऑफ दीज? तो ये भी बहुत इजी है, कैट है इसका, आपको याद होगा मतलब पता ही होगा कि अबू हुरैरा कैट से मशहूर, बहुत ज़्यादा मशहूर थे। 78 में है, डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मैरिड टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज? तो ये थी हज़रत अफजा रज़ियल्लाहु अन्हा। नंबर 79 पे है, सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज डैश यूनिवर्स गॉड ह्यूमन या फिर नन ऑफ दीज? तो ये है ह्यूमन। 80 पे है, द फ्यूनरल प्रेयर
नमाज जनाजा इज़ फ़र्ज ऐन सुन्ना फ़र्ज़ किफ़ाया नन ऑफ दिस। तो यह है फ़र्ज़ किफ़ाया, ये किसी और उसमें भी आया था, टेस्ट में भी आया था, क्योंकि मैंने, मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने पहले भी ये सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद 81, विच फेडरल मिनिस्टर कंट्रोल्स द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो भाई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करते हैं डिफेंस के मिनिस्टर। नंबर 82 पे है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन डैश इस्लामाबाद रावलपिंडी कराची। तो यह है भाई कराची में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, CCTV कैमराज आर यूज फॉर मेकिंग फिल्म फॉर इंश्योरिंग एफिशिएंसी ऑफ स्टार एज अ सिक्योरिटी टूल नन ऑफ दिस। तो ये इजी है, एज अ सिक्योरिटी टूल है इसका करेक्ट ऑप्शन। नंबर 84 पे है, हु वेयर नोइंगली गिव्स और कॉजेस टू बी गिवन अ फॉल्स अलार्म ऑफ फायर टू द फायर ब्रिगेड कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months, फाइन अप टू 15,000 rupees, एनी बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भाई मेरे ख्याल में ये 7C ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा कि जो अगर आपको लगे कि दूसरा करेक्ट है, तो आप काइंडली एक वैलिड सा आर्गूमेंट उसमें बताइएगा, मतलब एक रीज़न बताइएगा कि इस हिसाब से ये, अगर वो कहीं पे आपने देखा हुआ है तो बता दें। लेकिन मेरे ख्याल में सी वाला ही सही ऑप्शन है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, 90% ऐसे होता है कि जब भी आपके पास एनी या बोथ ऑफ दी अबव इस तरह वाले जो MCQs होते हैं ना, उसमें यही वाला करेक्ट होता है, 90% ऐसे होता है। अब वो देखते हैं ये 90% में से है कि नहीं। अच्छा, 85 पे है, अकॉर्डिंग टू द ASF एक्ट 1975, डायरेक्टर जनरल हैज़ दी पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग ASF। ट्रू है या फॉल्स है? तो भाई ये है ट्रू। 86 पे है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन केस ऑफ एनी एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंस टू एयरपोर्ट सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन एरोड्रोम्स ऑल ऑफ दीज। तो ये भी ऑल ऑफ दीज ही होगा इसका, ऑल ऑफ दीज है इसका, क्योंकि एयरपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। अच्छा, उसके बाद है, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट हिज पावर अंडर ASF एक्ट 1975 टू डैश एविएशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है भाई डायरेक्टर जनरल ASF, ऑप्शन सी। नंबर 88 पे है, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर्स अंडर ASF एक्ट 1975 टू द डायरेक्टर जनरल ASF एक्सेप्ट पावर टू मेक रेगुलेशंस। नंबर 89 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडियो स्टेशन, पावर प्लांट्स, वाटर कैनाल्स। तो ये ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। 90 पे है, इफ एन ऑफिसर डिटेक्ट्स कॉन्ट्रोबैंड आइटम ऑन अ पर्सन चेक बाय हिम, ही इज टू नोटिफाई पुलिस, कस्टम स्टाफ, कंसर्न्ड एयरलाइन स्टाफ, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब इसमें देखें, एयरपोर्ट में पुलिस वगैरह तो होती नहीं है, और ये कॉन्ट्रोबैंड आइटम का मतलब ये होता है कि उसके पास ड्रग्स पाई गई हैं या वेपन पाया गया है इस तरह, तो वो किन को वो करेंगे? तो ये होता है भाई कस्टम स्टाफ जो होता है। अच्छा, नंबर 91 पे है, एन ASF मेंबर शैल प्रिवेंट ऑल पर्संस एंड व्हीकल्स फ्रॉम एक्सेस टू द एयर साइड और अदर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट्स। ऑफ कोर्स इसका आंसर ए है, ट्रू। नंबर 92 पे है, टेररिस्ट एक्ट्स कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट्स इन परसूट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफन एज पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी इज नॉन एज डैश पॉलिटिकल टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म या सिविल डिसऑर्डर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है स्टेट टेररिज्म। 93 पे है, नो ऑफिसर और मेंबर शैल रिजाइन फ्रॉम द फोर्स विदाउट गिविंग इन राइटिंग अ नोटिस ऑफ 1 month, 2 months, 3 months और या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है 2 months। 94 पे है, सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज मीन्स डैश एयर साइड, एयर सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा, इस वाले के MCQs का आंसर आप लोगों ने बताना है कमेंट में, हम भी उसको बताएंगे, हम उसको पिन कर देंगे।
उसके बाद है 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। पहले मैं ये ब्रश सेलेक्ट कर लूँ, रेड कलर हो गया, ठीक है। तो फिजिकल सिक्योरिटी का कौन सा है जो कि पार्ट नहीं होता, सीसीटी, सिक्योरिटी गार्ड, इंक्रिप्शन, नन ऑफ दीज। तो ये है ऑप्शन डी। नाइन्टी फाइव पे है, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एसएफ आर सब्जेक्टेड टू डैश सिविल सर्वेंट रूल 1973, पुलिस ऑर्डर 2002 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है भाई डी, नन ऑफ दीज। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि ये आर्मी एक्ट 1952, उस मेरे ख्याल में सैलरी वाला एमसीक्यूज था। 97 पे है, इफ़ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कंसिडर एनी ऑर्डर ऑफ द जिला नाजिम मनलाफर और मनलाफाइड ही मे रिसोर्स टू डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन, प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर, पीपीओ या फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन। अच्छा 98 पे है, द नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शैल ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी नरकोटिक फोर्स या फिर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी या फिर ऑल ऑफ दीज। 98 में है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है नंबर 99 पे, टेम्पररी परमिट फंक्शनरी पास इज इश्यूड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। तो ये है भाई 3 मंथ्स। नंबर 100 पे है, हु इज जूनियर पर्सन इन द सेम ग्रेड अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस, रेगुलर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये मुझे इसका कंफर्म नहीं है, काइंडली आप लोग ना मुझे इसका आंसर बताइएगा, मैं इसको ना कंफर्म करके फिर पिन कर दूंगा। यानी वो एक और पहला वाला क्वेश्चन भी रह गया था, इसको भी और उसको भी फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, अल्लाह हाफिज़।